बिग बॉस 15 के घर में जो भी नॉमिनेटेड कंटेस्टेंट्स हैं, आखिरकार उन्हें कितने परसेंट वोट मिल रहे हैं, चलिए इस बारे में पूरी खबर मैं बताऊंगी आपको इस वीडियो में। नमस्कार, मैं सृष्टि आप सबका स्वागत करती हूं हमारे यूट्यूब चैनल पर। वेल, आपको तो पता ही दिया है कि 7 कंटेस्टेंट्स बिग बॉस के हाउस में अब नॉमिनेटेड हैं इस हफ्ते के लिए, जिसमें कि 3 ऐसे कंटेस्टेंट हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है। पर मैं बात कर रही हूँ शमिता सेट्टी, करण गुंद्रा और उमर रियाज की। ये तीनों कंटेस्टेंट बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हैं और बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांगली खेल भी रहे हैं, लेकिन आखिरकार वोट की अगर माना जाए तो किनको कितने परसेंटेज में वोट्स मिल रही है, चलिए आपको बताते हैं। वेल, सबसे लास्ट वाले का नाम पहले बताते हैं। जी हाँ, जो 7वें नंबर पर है, वेल अगर ईशांत सहगल की अगर मैं बात करूँ तो ईशांत सहगल को सिर्फ और सिर्फ 4% वोट्स मिल रहे हैं। उससे बेटर तरीके में है, इससे बेटर पोजीशन पर हैं उनकी गर्लफ्रेंड मायशा अय्यर। जी हाँ, मायशा अय्यर को 6% वोट्स मिल रहे हैं। वेल, अगर मैं बात करूँ सिम्बा नागपाल की तो सिम्बा नागपाल को 7% वोट्स मिल रहे हैं। वहीं विशाल कोटियान की अगर मैं बात कर लूँ तो विशाल कोटियान और सिम्बा नागपाल के बीच में काफ़ी डिफरेंसेस देखा जा रहा है। विशाल कोटियान को 12% वोट्स मिल रहे हैं। उसके बाद शमिता सेट्टी की बारी आती है। जी हाँ, शमिता सेट्टी को भी अच्छे खासे वोट्स मिल रहे हैं बीबी ओटीटी के कंपैरिजन में, और उनको 16% वोट्स मिल रहे हैं। वेल, अगर उमर रियाज और करण कुंद्रा की बात की जाए तो उमर रियाज और करण कुंद्रा में ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं है। जहाँ उमर रियाज को 25% वोट्स मिल रहे हैं, वहीं पर करण कुंद्रा को 5% ज़्यादा यानी कि 30% वोट्स मिल रहे हैं। वेल, विधि पांड्या की बात यहाँ पर सच होती नज़र आ रही है कि करण कुंद्रा के साथ साथ उमर रियाज में भी ये पावर है कि वो टॉप 3 कंटेस्टेंट बन पाए बिग बॉस 15 के। वेल, आपके अकॉर्डिंग ये सारे कंटेस्टेंट्स के वोट्स के परसेंटेज तो मैंने बता दिए, लेकिन आपके हिसाब से आखिरकार इस हफ्ते कौन होगा एविक्ट, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। साथ ही साथ एंटरटेनमेंट दुनिया की बाकी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।